एक मिनट के लिए भी जेल में गया हूँ तो अभी राजनीति से कोई संन्यास ले लूंगा। ये है अजय मिश्रा टेनी, जो लोकसभा में बोल बैठे कि अगर उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई मामला हुआ यानी आपराधिक मामला मिले तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संसद में अजय मिश्रा टेनी ने विपक्ष को चुनौती दे दी। सुनिए कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है, मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, एक मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूँ, एक मिनट के लिए भी जेल में गया हूँ तो अभी राजनीति से कोई संन्यास ले लूंगा, एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के नाम के साथ लखीमपुर का जिक्र अब भी हो रहा है और अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें लोकसभा में घेरने की कोशिश की, जिसके बाद मंत्री ने उन्हें चुनौती दे डाली। दरअसल सदन में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक टिप्पणी के जवाब में अजय मिश्र टेनी ने ये बातें कही। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, एक मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूँ, एक मिनट के लिए भी जेल में गया हूँ तो अभी राजनीति से कोई संन्यास ले लूंगा। अजय मिश्र जब विधेयक से जुड़े बिंदुओं को सदन में रख रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी ने कुछ टिप्पणी कर दी। अधीर रंजन ने लखीमपुर खीरी कांड पर टिप्पणी की, पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटी हिंसक घटना से था जिसमें कुछ किसानों की मौत हो गई थी। अधीर रंजन की लखीमपुर खीरी कांड पर टिप्पणी वो थी जिसमें किसानों की मौत का मामला था और इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आरोपी हैं। कांग्रेस नेता की टिप्पणी का प्रतिवाद करते हुए अजय मिश्र ट्रेनी ने कहा कि मैं अधीर रंजन चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि मैंने 2019 में नामांकन पत्र भरा था, अगर मेरे खिलाफ एक भी मामला हो, अगर मैं एक भी मिनट के लिए जेल गया हूं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दरअसल संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 9वें दिन यानी सोमवार को लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 यानी द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बिल पेश किया। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, साथ ही अजय मिश्र टेनी ने इस बिल के प्रावधानों के बारे में बताया कि आखिर ये बिल क्यों लाया जा रहा है। अजय मिश्र के मुताबिक दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं, अपराधियों में अपराध करने का ट्रेंड बढ़ा है, उसके आधार पर इस अधिनियम को विस्तारित करने की जरूरत थी, इसलिए लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लेकर आया गया। जब इसी विधेयक का जिक्र अजय मिश्र टेनी कर रहे थे तो उसी दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी कर डाली और इस टिप्पणी का जवाब अजय मिश्र टेनी की तरफ से ये मिला कि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध कर दे और ये अगर कोई कह दे कि वो एक मिनट के लिए भी जेल गए हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें ये वही अजय मिश्र टेनी है जिनके बेटे के ऊपर किसानों की हत्या का मामला लखीमपुर खीरी में चल रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है, मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, एक मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूँ, एक मिनट के लिए भी जेल में गया हूँ तो अभी राजनीति से कोई संन्यास ले लूंगा, एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड।